भाभी को आपकी सबसे गंदी बात कौन सी लगती है? Who cooks better, भाभी और यू? ये यही बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, बता। सिर्फ इनका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल है कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। Which one is more comfortable, your Avenger or your new bike for long distance touring? सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और मैं हूं पायल। तो आज जो है हम लोग Q&A करने वाले हैं, और Q&A जो है पहली बार कर रहा हूं मैं पायल के साथ। पहले मैं एक दो Q&A सेशन कर चुका हूं यूट्यूब पर, लेकिन पायल के साथ पहली बार हो रहा है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, तो उन सबके जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। काफी सारे जो क्वेश्चन है वो कॉमन है, तो उनके सवालों के सबके जवाब मैं एक साथ दे दूंगा। काफी सारे सवाल आए थे तो मैं सबके जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अंशुल जोशी का यूट्यूब पे। उन्होंने पूछा है एक्सपल्स का रिव्यू कब आएगा, कपल कैंपिंग कब होगी। एक्सपल्स का रिव्यू जो है बहुत जल्द आने वाला है चैनल पर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि घर पे हूँ मैं तो मेरे पास कुछ है नहीं ट्रैवलिंग के लिए, तो मैं एक्सपल्स का रिव्यू जरूर बनाऊंगा। कपल कैंपिंग कब होगी, बता भाई कब होगी? मैं खुद वेट कर रही हूँ कपल कैंपिंग कब होगी। मैंने टेंट लगाना भी सीख लिया, देख ही लिया उसको टेंट लगाना, इसको टेंट लगाना आ गया तो कपल कैंपिंग भी करनी है, इसमें किसी से टेंट लगवाया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कैंपिंग सबसे पहली ट्रिप जो हो हमारी, कैंपिंग ट्रिप हो साथ में। बाकी कुछ कह नहीं सकते, जो भी होगा देखा जाएगा, होगी लेकिन कपल कैंपिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर रावत का, वो भी यूट्यूब पर आया था। लद्दाख ट्रिप का बजट क्या हम आपके साथ राइड कर सकते हैं? लद्दाख ट्रिप का जो है बजट है अब चेंज हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो रहा है, तो लद्दाख ट्रिप का बजट इस समय आपका अगर आप ऑन एन एवरेज लगाओ तो करीब 30,000 रुपए पड़ेगा अगर आप सोलो जा रहे हो बाइक पर। इस हिसाब से अब थोड़ा जो महंगा हो गया पेट्रोल, उसकी वजह से 2-3 हजार रुपए महंगा हो गया, तो 25,000 में पहले लद्दाख ट्रिप हो जाती थी, अब करीब 30,000 में हो पाएगी। और साथ में राइड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, देखो बहुत सारे लोग हैं जो साथ में राइड करना चाहते हैं, और मैं सबके साथ तो मैं राइड कर नहीं पाऊंगा, तो उसका समय आएगा तो हो जाएगी। हाँ मेरे पास भी वो आते हैं, पता है इंस्टा पे मैसेज रिक्वेस्ट आती है कि भाई के साथ हमें भी राइड पे जाना है, क्या हम भी चल सकते हैं? आप थोड़ा समझ सकते हो कि मेरे पास, मैं अकेला हूँ, मैं इतने सारे लोगों को नहीं ले जा पाऊंगा कभी भी साथ में राइड पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने को तैयार हैं और मैं एक अकेला इंसान कैसे सबको लेके जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, कभी किसी के साथ मौका लगा, किसी के स्टेट में मैं अगर गया तो उनके साथ लोकल मैं कभी राइड जरूर कर सकता हूँ। यूट्यूब पे कार्तिक शर्मा का सवाल है, भाई आपका चैनल कैसे ग्रो हुआ, क्या करें कि चैनल ग्रो हो जाए उनका? भाई चैनल जो है ग्रो करने में बड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको बस दो चीज़ें फॉलो करनी है, एक तो रेगुलर वीडियोस डालते रहो और दूसरा पेशेंस, बस यही चीज़ चाहिए। हितेश गुप्ता का सवाल है इंस्टाग्राम पे, क्या अभी भी कोडिंग करते हो? नहीं भाई, कोडिंग को छोड़े हुए मुझे 6-7 साल हो चुके हैं, अब मैं कोडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। हाँ मुझे आती है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है पूरी तरह से, तो आप कह सकते हो नहीं करता। ये आया सवाल बढ़िया, अब आया मतलब मस्त सवाल। अभिषेक टुटेजा का सवाल है इंस्टाग्राम पे, हु कुक्स बेटर, भाभी और यू? वैसे इनका यूजर नेम बहुत अटपटा सा था, इसलिए मैंने इनका नाम यूज कर लिया, यूजर नेम नहीं डाला है। ये यही बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, बता। Obviously, आप मैं भी अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छा नहीं बनाती। हाँ ये अच्छा बनाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये दाग में कुछ तो काला क्या है, ये अच्छा बनाती है। नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे करके ये अच्छा बनाती है, अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ ना। नहीं मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं डेली डेली वाला खाना जो होता है सिंपल सादा मतलब अगर आपको दाल रोटी, बेसिक दाल रोटी सब्जी खानी है तो ये बहुत अच्छा बनाती है। अगर आपको बढ़िया बिरयानी खानी है, कढ़ाई पनीर खाना है, शाही पनीर खाना है, मटर पनीर खाना है, तो मैं बढ़िया बनाता हूँ। मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बढ़िया बनाता हूँ, प्लस पास्ता चाउमीन, हाँ ये सब भी मैं ही बढ़िया बनाता हूँ, ये भी ये अच्छा बनाते हैं। और जब इतने अच्छे मास्टर शेफ साथ में होता है, मेरे को सीखने की भी जरूरत नहीं है, और मैं सीखना भी नहीं चाहती। क्यों ना सीखना चाहते, सबको खाना बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, आज के टाइम में सबको खाना बनाना, खाना बनाना आता है। अच्छा खाना बनाना है, मुझे बनाना आता है, तुम्हें बनाना आता है, पेट भरने के लिए बना सकती हूं, बनाना आता है। ये क्या बात है, बनाना आता है, पूरा बोलो। हाँ भाई खाना बनाना आता है। अच्छा अगला सवाल है इंस्टाग्राम से senowriters.bikes, बंगाल साइड या नॉर्थ ईस्ट कब आओगे भाई? भाई इस साल पूरा प्लान था नॉर्थ ईस्ट जाने का, लेकिन कोरोना ने पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी, सारे प्लान फेल हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट कहां पे जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको अपडेट तो इंस्टाग्राम पे मिलता ही रहेगा, आप इंस्टाग्राम पे पकड़ के रखिए बस। उर्वशी तख्तानी का सवाल है, भाभी को आपकी सबसे गंदी बात कौन सी लगती है? ये नहाते नहीं है डेली,
डेली। अब मैं सारे दिन 24 घंटे में एसी के अंदर रहता हूँ, मेरे लिए इट्स लाइक विंटर्स। और विंटर्स में कौन ना आता है? तो डेली तो मैं भी रहती हूँ ना, मैं भी तो वही रहती हूँ। अब तुम फालतू में घिसे जा रहे हो अपनी बॉडी में, थोड़ी मुझे थोड़ी जरूरत है। और हाँ, ये बर्तन भी नहीं धोते। हाँ, मैं खाना बनाता हूँ, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बर्तन धोने से भी बहुत चिढ़ है। मुझे बर्तन धोने आते हैं लेकिन मैं धोता नहीं, खाना सारा बना दूंगा मैं। वैसे मुझे इनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है, हर चीज में सपोर्टिंग है। मी सागर पाटिल इंस्टाग्राम पे पूछा है इन्होंने, विच वन शुड बी दी फर्स्ट अफोर्डेबल कैमरा फॉर व्लॉग आफ्टर फोन। भाई अगर आप अफोर्डेबल कैमरा ढूंढ रहे हो तो फोन पे ही रहो, क्योंकि अफोर्डेबल कैमरा कोई आता नहीं है। 30-40 हजार रुपए से कम कोई कैमरा आता नहीं है व्लॉगिंग के लिए। बेटर है कि आप अभी फोन से ही करो, जब आपके पास बजट हो तो कैमरे पे मूव कर जाना। आपने भी तो पहले फोन से ही स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने भी अपना फोन से स्टार्ट किया था। मेरे पास OnePlus 3T था तो मैं उसी से व्लॉग करता था। अभी OnePlus Nord है तो मैं ये वाला कैमरा छोड़ के फोन से व्लॉग करने लग गया हूँ। काफी सारे शॉट्स जो है मेरे फोन से होते हैं। अगर आपने मेरी गंगोत्री ट्रिप देखी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा शॉट्स मैंने जो है फोन से रिकॉर्ड किए हैं। कनिष्क बेस्ट बाइक फॉर टूरिंग अंडर 2.5 लाख, डोमिनार और हिमालयन। भाई हिमालयन, नो डाउट अबाउट इट, हिमालयन बेस्ट है डोमिनार से, क्योंकि जो टूरिंग का काम है वो हिमालयन में बहुत अच्छी तरीके से होता है। पैनियर्स का सेटअप भी बहुत अच्छा बन जाता है। मैं और बाकी सारे चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टूरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें हिमालयन बेटर है। इंस्टाग्राम पे है एनशर्पा, लद्दाख राइड कब होगी? लद्दाख राइड होगी इसी साल, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लद्दाख जाने की। ये आया सवाल राजपुताना किंग प्रत्यूष, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, सिर्फ इनका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल है कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और अगर लव है तो कैसे मिले आप और भाभी, बताओ। लव है हमारी, अरेंज है हमारी, फुल ऑन अरेंज मैरिज है। कोई सोच नहीं सकता हमारी अरेंज मैरिज है, भयंकर वाली अरेंज। लोगों की होती है लव कम अरेंज, हमारी हुई अरेंज कम लव मैरिज। हाँ, हमारी भयंकर अरेंज मैरिज है, जैसे होती है ना, मतलब प्रॉपर अरेंज मैरिज, फुल टू श्रीवास्तव, श्रीवास्तव फैमिली। हाँ, पूरा सारी फैमिली का पहले हुआ, पहले फिर एंगेजमेंट हुई, सबसे पहले वो मिलाते हैं ना, क्या बुलाते हैं, कुंडली, गुण मिलाए, कुंडली मिलाई। हाँ, जब मुझे बताया था 30 गुण मिल रहे हैं आपके, मुझे लगा था हाय मुझमें इतने गुण भी है। 30 मेरे में थे ना, तो इसलिए मिल गए। 30 मुझ में भी तो थे ना, 30 गुण मिले थे। तो मतलब हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है हमारी लव मैरिज है लेकिन लव मैरिज नहीं है। भाभी के साथ जब लड़ाई होती है तो कौन किसको मनाता है और कौन सॉरी बोलता है? मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ऑलवेज। हमारी लड़ाई कब हुई है यार? हाँ, हमारी लड़ाई नहीं हुई लेकिन मजाक में भी मैं बोलती हूँ। हाँ, तो मजाक में तो कुछ भी बोल दे रहो। देखो, लड़ाई हमारी सीरियस वाली कभी नहीं हुई है आज तक हमारी सीरियस लड़ाई नहीं हुई है अभी तक। मतलब होती है ना जो भयंकर वाली, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, वो वाली नहीं हुई है अभी तक। कभी होगी भी नहीं, वैसे होती भी नहीं यार हमारी एक भी बार लड़ाई नहीं हुई है यार आज तक। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पहले से कोई प्लानिंग और अरेंजमेंट करते हो या फिर जो होता है देखा जाएगा? जो होता है देखा जाएगा, यहाँ तक कि मैं इसके साथ भी गया था तब भी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना गोवा की कोई प्लानिंग थी, ना हमारी नैनीताल की कोई प्लानिंग थी, ना हमारी चितकुल की कोई प्लानिंग थी। हम जाते हैं, ऑन द वे डिसाइड करते हैं क्या करना है, कहाँ रहना है, जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक भाई है जिसने पूछा है, भाई आप कैसे हो? हाउ आर यू भैया जी? आशीष कुमार भाई ने सवाल पूछा है। भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, कोरोना वोरोना सब जा चुका है हमारे अंदर से, हम एकदम परफेक्टली फिट है। 1000 सब्सक्राइब होने की खुशी ही अलग हुई होगी उस टाइम। भाई 1000 सब्सक्राइबर छोड़ो, 100 सब्सक्राइबर होने की भी खुशी इतनी ज्यादा होती है ना कि 80,000 में भी वो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि वो जो 100 सब्सक्राइबर होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं करने। स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर तो इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं करने, मतलब वाट लग जाती है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है क्योंकि वीडियो जो है वायरल होती नहीं है और आपको एकदम से इनिशियली बूस्ट मिलता नहीं है। या तो आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया हो तब आपको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, या फिर आप एड्स वगैरह चलाओगे तो आपको बूस्ट मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरा सारा ऑर्गेनिक है, कोलैबोरेशन तक नहीं की मैंने आज तक। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बड़ा यूट्यूबर हो भाई 3-4 लाख सब्सक्राइबर वाला, मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो यार, हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आकाश मौर्य भाई का सवाल है, हाउ टू मैनेज मनी फॉर स्टार्टिंग मोटो व्लॉगिंग एंड परचेज इक्विपमेंट इन बजट, हाउ टू मैनेज जॉब एंड एक्सेट्रा, पता नहीं क्या था आगे, एंड भी छोड़ दिया उन्होंने। तो भाई जॉब का तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी जॉब की नहीं, तो उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मनी मैनेजमेंट का यह है कि हाँ भाई कमाओ, सेव करो, ट्रैवल करो, धीरे धीरे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करो। जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही आपको ड्रोन भी होना चाहिए, आपके पास कैमरा भी होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, गिम्बल विम्बल सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है। फोन उठाओ, व्लॉगिंग स्टार्ट करो। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, अपलोड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना लेते हैं, एडिट नहीं करते हैं और अपलोड नहीं करते हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ, ये अनूप ठाकुर को, अनूप ठाकुर ने व्लॉग किया, एडिट भी नहीं किया, रिकॉर्ड किया और अपलोड नहीं किया। जयपुर की ट्रिप हो गई, 2-3 चीजें कर चुका है, आज तक कभी अपलोड नहीं किया।
तो ऐसी हरकतें ना करें, अपलोड कर दिया करें। पंकज नंद कुमार भाई का सवाल है, भाई आप व्लॉगिंग कब से कर रहे हो और पहला वीडियो कौन सा है? पहला वीडियो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कौन सा है। और मैं व्लॉग कर रहा हूँ 3 साल से, 3 साल पहले से मतलब मैंने शुरू किया था। और फिर स्टार्टिंग का जो पहला साल होता है उसमें कोई भी सीरियस नहीं होता है, एक वीडियो डाल दिया, फिर एक महीने बाद एक वीडियो डाल दिया, ऐसे सीन चला 1 साल 1.5 साल के बाद मैं सीरियस हुआ, फिर मैंने रेगुलर वीडियोज डालना चालू किए, तब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। अभिलाष सिंगल का सवाल है, ब्रो योर वीडियोज आर ऑसम, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय ब्लॉग, गिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाउ टू ग्रो इट। अब आप ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हो या व्लॉग के बारे में बात कर रहे हो? अगर आप ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में तो मैं यही बोलूंगा, आप रेगुलर कंटेंट डालो। और ब्लॉग के बारे में भी यही है कि रेगुलर कंटेंट डालो। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हो, जिसको बोलते हैं वेबसाइट बना के कंटेंट लिखना, उसमें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो रोल है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें SEO वगैरह करिए अच्छे से, आपका ब्लॉग चलने लगेगा। अगर आप ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हो तो व्लॉग के सिर्फ 2 पॉइंट्स है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, रेगुलर वीडियोस और पेशेंस, इनसे ही व्लॉग ग्रो करता है, चैनल ग्रो करता है। राज भदौरिया इंस्टाग्राम पे इनका सवाल है, भाई आपकी एज और क्वालिफिकेशन क्या है? भाई साहब मैं हूँ BCA ग्रेजुएट, MCA ड्रॉप आउट और मेरी एज है 30 साल का हूँ मैं, लगता हूँ या नहीं लगता ये कमेंट में बताओ। विच वन इज मोर कम्फर्टेबल, योर एवेंजर और योर न्यू बाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है और इसमें जो जवाब देना बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि मेरे को दोनों बाइकें बहुत अच्छी लगी हैं। हाँ आप कंफर्ट के मामले आप कह सकते हो एवेंजर ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन आप माउंटेन्स में जब राइड करते हो तब आपको पता लगता है कि एक्सपल्स माउंटेन में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, माउंटेन्स में एक्सपल्स का कोई जवाब नहीं है। सिद्धांत गौतम, व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ और कुछ मेरी वेबसाइट्स हैं जिस पे मैं ट्रैफिक लाता हूँ, उनसे फिर प्रोडक्ट्स की सेल होती है कि वहाँ से मुझे कमीशन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ, वहाँ से मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब का तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि मैं कितना अर्न करता हूँ, वो देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो ये सारे सवाल थे जिनके हमने जवाब दे दिए हैं, आई होप आप सबके सवाल इसमें कवर हो गए होंगे। जिनके नहीं हुए हैं उनको मैं पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, आप वैसे तो मुझे रिप्लाई करते रहते हो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे और मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। बाकी किसी का मिस हो गया तो सॉरी उसके लिए, आगे किसी Q&A में दोबारा कवर कर लेंगे उस सवाल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बता भाई तेरे को कैसा लगा सवालों के जवाब देकर? KBC वाली फील आई? नहीं KBC वाली नहीं आई, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं थे, आंसर तो पता थे ना। हाँ आंसर मुझे पता थे, हाँ तो बस KBC वाली आ गई। आज तो सेलिब्रिटी वाली फील आ गई, सेलिब्रिटी वाली फील आ गई। ये क्या हो रहा है? एक वो नहीं है तो करम भिड़े, एक वेब सेक्रेटरी, एक वेब सेक्रेटरी। तो भाई यही है इस वीडियो में फिलहाल, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो है डेली स्टोरीज डालता रहता हूँ मैं, हम दोनों की कुछ ना कुछ हरकतें, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पायल को भी फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल इतना ही है, बाय बाय।